निराश होता हुआ अपना बदला पूरा कर रहे थे अखिलेश, पर उनका साथ नहीं मिलता वो विकेट कीपर। विनय निराश होते हुए अपने कीपिंग फिर से। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अखिलेश, और एक जीवनदान जैसा मिला है कुमार गुंडा को यहाँ पे। पहले बॉल से 6 रन आता हुआ, दूसरे बॉल डॉट, तीसरा बॉल डॉट, कुल संख्या हुआ स्कोर हुआ है 6 रन। 3 गेंदों में 6 रन खर्च करते हुए अखिलेश, अखिलेश तो कुमार फ्लिक कर दिया कुमार ने यहाँ। 1 बाउंस 2 बाउंस बाउंड्री, 2 बाउंस के बाद बाउंड्री सीमा पार। बॉल बॉल देना है वॉलेंटियर, श्री साइज के वॉलेंटियर से विनती है कि वो जरा कमेंट्री बॉक्स में आना है। काफी अच्छे वॉलेंटियर है श्री साइज स्पोर्ट्स के, अपना टाइम देते हुए। सभी वॉलेंटियर्स अच्छी टाइम देते हैं अपने टीम के लिए। यहाँ पर अखिलेश तो कुमार, और ये फुल टॉस, ये चढ़ता हुआ 6 रन। बॉल बॉल देना है वॉलेंटियर उधर, अरे 6 रनों से कुमार का व्यक्तिक 16 रनों पे खेल रहे वो। कुमार जो है काफी अच्छी बैटिंग करते हैं वो, कभी सिंगल डबल, कभी छक्के चौके, हाँ 1-2 छक्के चौके के बाद में सिंगल डबल पे अपना बैटिंग रोटेट करते हैं, अपने सामने वाले बैट्समैन को बैटिंग के लिए आमंत्रित करते वो। बड़ी लंबी पारी खेलते हुए कई बार देख चुका हूं मैं इन्हें, 1-2 छक्के मारते तो अपने आप को उतने ठंडे भी रखते हैं, फिर 1-2 रन से अपने सामने वाले बैट्समैन को बैटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं। और ये मिस फील्ड और ये 2 रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 18। पहले ओवर की समाप्ति के बाद में 18 रन बिना कोई विकेट का नुकसान। एक ओवर के समाप्ति के बाद में 18 रन, बैट्समैन अनिल, बॉलर करण टू अनिल। 6 ओवर के मैच में 2 ओवर पावर प्ले है, एक बॉलिंग पावर प्ले और एक बैटिंग पावर प्ले। 1 ओवर की समाप्ति के बाद में 18 रन। फुल टॉस बॉल जो कि बैट पर इतने अच्छे से चढ़ा नहीं, फिर भी 1 बाउंस बाउंड्री। एक खराब फील्डिंग का इशारा आता हो यहां से। विक्ट्री जो है अपने फील्डिंग के लिए बहुत जाने माने जाते हैं, काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं ये। अंपायर का इशारा आता हुआ, कॉल आता हुआ। फुल टॉस गेंद बैट पे चढ़ा था, 1 रन से संतोष अनिल, आमंत्रित किया है कुमार को। इक्की दुक्की से जो है टीम का स्कोर अच्छा तो चल रहा है, पर इक्की दुक्की से काम नहीं होगा। पर जो कम
ओवर्स के मैचेस है, इसे आप में आपको बड़ी हिट भी खेलने पड़ते हैं, सेंसिबल सिंगल डबल भी खेलना पड़ता है यहाँ पे। काफी अच्छा पॉइंट पे खेलते हुए कुमार, कवर पॉइंट्स, रिवर्स स्वीप खेलने भी जाने जाते हैं कुमार। करण अच्छी गेंदबाजी करते हैं अपने टीम के लिए, अभी तक बैट्समैन को दबा के रखा है इन्होंने, कोई ज्यादा खर्च किए नहीं है अभी, ना कोई महंगे हुए। मिसफील्ड, पवेलियन में पानी तैयार रखना है। काफी अच्छा कवर ड्राइव खेले है कुमार, वन बाउंस बाउंड्री, इस बाउंड्री के साथ में स्कोर बढ़कर हुआ है 29 रन। दूसरी ओवर में एक गेंद और आनी शेष, अंपायर राजन का इशारा था वो वाइड विन, इस अतिरिक्त रनों को रोकना है, अगर विक्ट्री को कम स्कोर में श्री साई को रुकाना है तो श्री साई की तरफ से काफी लंबा बैटिंग लाइन आना बाकी। दूसरा ओवर का खेल चलता हुआ, स्कोर हुआ है 30। फुल टॉस, कुमार के बैट से निकलता हुआ ये 6 रन, 6 रन से स्कोर हो गया 36। व्यक्तिक सभी श्री साई स्पोर्ट्स के वॉलेंटियर से गुजारिश है कि वो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। व्यक्ति 29 रनों पे खेल रहे कुमार, और विक्ट्री की तरफ से तीसरी ओवर लेके आए विशाल बिल्ला, काफी तेज गेंदबाजी करते हैं विशाल। अनिल व्यक्तिक 6 रनों पे, अभी तक बैट खोला नहीं है अनिल ने, फाइन ग्लांस कर दिया है अनिल एक सिंगल रनों से, अपने पार्टनर को आमंत्रित किया है, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, 18 के एवरेज से खेल रहे श्री साई स्पोर्ट्स बिना कोई विकेट के नुकसान। फुल टॉस और एक 6 रन कुमार के बैट से निकलता हुआ, अंपायर गणेश का इशारा था वो 6 रन। एक लंबी पारी के लिए जाने जाते कुमार, जब भी वो कोई 6 रन या चौका मारते हैं उसके बाद में स्ट्राइक रोटेट करके अपने पार्टनर को आमंत्रित करते हैं। वन बाउंस बाउंड्री,
बाउंड्री से स्कोर बढ़कर हुआ है 47। थर्टी नाइन रनों पे खेल रहे कुमार, क्या एक हाफ सेंचुरी देख रहे हैं हम। और ये सिंगल, सिंगल से आमंत्रित किया है अपने पार्टनर अनिल को। और तीन ओवर का खेल आना शेष, तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ। काफी लंबा बैटिंग लाइन है, और ये डॉट गेन। एज एज लगकर, अरे कैच ड्रॉप कर रहे हैं विक्टोरियन विक्ट्री। ओवर की समाप्ति इशारा आता हुआ अंपायर गणेश का। इस कम ओवर के मैचेस में आपको जो है आपके फील्डिंग पर अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि जो कम ओवर के मैचेस होते हैं उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए यहाँ पे। फोर्टी नाइन बिना कोई नुकसान। अनिल व्यक्तिक आठ रनों पर, कुमार खेल रहे हैं 40 पे, 10 रन की जरूरत 50 के लिए। हमें तो ऐसा लगता है कि ये 50 मार सकते हैं, और दो ओवर आने बाकी, तीन ओवर आने बाकी। हिटिंग पे संजू, बड़े बड़े बैट्समैन आने बाकी हैं यहाँ पे, तो कुमार जो है खुल के खेलेंगे वो, उन्हें पता है संजू जैसा बैट्समैन अभी बाकी है। एक छोर से संभाल रहे हैं अनिल। अनिल जो है हार्ड हिटिंग के लिए भी जाने जाते हैं, सिंगल डबल के लिए भी जाने जाते हैं। विक्टोरियन ने अपने अच्छे गेंदबाज करण को लगा दिया है। उठा दिया है पहला विकेट का नुकसान, पहला विकेट गिरता हुआ अनिल का। अनिल को पता था कि संजू जैसे बैट्समैन अभी बाकी है तो मुझे खुलकर खेलना पड़ेगा। और एक हार्ड हिटर राकेश बंडा, कुमार गुंडा और राकेश बंडा, इन दोनों की जो पार्टनरशिप है, इनके जो सुर ताल है बहुत अच्छे जमते हैं। ओ सॉरी, भंडारी, राकेश भंडारी। अच्छे अनुभव है राकेश भंडारी को इस ग्राउंड का, बहुत ही अच्छे बैटिंग करते हैं वो। और जो करण है, बहुत पारिया खेल चुके हैं ये दोनों भी अपने सामने आमने सामने। करण, करण टू राकेश, सिंगल से संतुष्ट। स्ट्राइक रोटेट किया है राकेश ने। राकेश ने कहा जैसे कुमार आप खेलो, आपका नजर सेट है, आप जो इतने तीन ओवर से खेल रहे तो आप खेलो, मैं आपको साथ देता हूं, जब आपको नहीं जमेगा तो मैं जो हूं खेलूंगा। राकेश, करण और विकेट, करण, करण ने बहुत ही बड़ा मछली फंसा लिया है।
हाफ सेंचुरी के लिए खेलना चाहते थे कुमार, पर कहीं 40 रनों पर रोक दिया है करण ने। 50 रन पर 2 विकेट, दोनों ओपनर को करण ने घर भेज दिया है, पवेलियन, बैक टू पवेलियन भेज दिया है। 50 रन पे 2 विकेट। अभी दोनों बैट्समैन जो है नए हैं, इनको नए से स्टार्ट करना है, पर ये जो बैट्समैन दोनों जो है, भूमेश भूमेश और राकेश, दोनों हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। काफी लंबी पारी खेली थी कुमार ने वहां पर, कुमार का अच्छा सराहना करते हुए उनके पवेलियन में। करण करण अपने टीम के लिए अच्छा गेंदबाज से उभरे हैं, वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हमेशा विकेट लेने के लिए जाने जाते, जब भी आते हैं तो विकेट लेते हैं वो। और एक विकेट, मैं चल मैं आया तू चल, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे हो रहा है। करण 3 विकेट ले चुके हैं यहाँ पे, आउट होकर पवेलियन लौटता हुआ भूमेश। चौथा ओवर में जैसा अंकुश सा लगा दिया है श्री साई स्पोर्ट्स को करण ने, एक रन ले दे के 3 विकेट प्राप्त किया इन्होंने। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा करता हुआ करण। संजू सैमसन श्री साई स्पोर्ट्स के लिए हार्ड हिटिंग और लंबे पारियों के लिए जाने जाते हैं संजू। दो गेंदे आने बाकी है इस ओवर से। और लेग बाइस का इशारा आता हुआ अंपायर राजन का। राकेश भंडारी, एक रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 51, 3 विकेट के नुकसान पे। पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये स्कोर जो है 100 पार करेगा, पर करण ने उधर आकर कहीं तो अंकुश लगा दिया है, स्कोर को 50 रन पे रुका दिया है। और राकेश के बैट से निकलता हुआ ये 6 रन, अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन, ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति के बाद में स्कोर बढ़कर हो गया है 57। कहीं लास्ट के जो एक गेंद पे ऐसा लगता है करण थोड़े से महंगे से साबित हुए, वरना बहुत ही सेंसिबल बॉलिंग कर रहे थे वो, जो अच्छे स्कोर दे दबाए दिए थे उन्होंने, एक अंकुश सा लगा दिया था उन्होंने श्री साई स्पोर्ट्स के ऊपर। हमेशा जो ऐसा होता है मैचेस में, दोनों ओपनर चले जाने के बाद में जब भी नए बैट्समैन आते हैं तो उनको थोड़ा सा सेट होने टाइम लगता है, एक दो बॉल खेल के निकलने टाइम लगता है। बॉल देना है कमेंट्री बॉक्स के यहां से, बॉल देना है। श्री साई स्पोर्ट्स के वॉलंटियर काफी मेहनत करते हैं अपने टीम के लिए,
हमेशा अच्छा योगदान रहता है इनका, अजय पवन मनोहर गणेश जोराम कुमार सब अपने टीम के लिए अच्छा योगदान देते हैं, अच्छा टाइम देते हैं वो। विशाल बिल्ला पहली गेंद पे 6 रन देते हुए राकेश के बैट से निकलता हुआ 6 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी किए थे राकेश ने यहाँ पे, स्कोर को दबा दिया था उन्होंने। और ये पहले गेंद पे 6 रन, 6 रन लास्ट गेंद पे मारा 6 रन जो इसके लास्ट बाद गेंद पे बनाया मारा था। था 6 रन, सॉरी। और ये डॉट गेंद, पांचवा ओवर का खेल चलता हुआ। बाजू ना भाई थोड़ा। पांचवे ओवर के 2 गेंदे डॉट। स्लो ओवर में आपको जो है बॉल पे नजर रखना है, जो अच्छे बॉल रहेंगे उसका सम्मान करना है, सिंगल डबल लेना है, जो खराब बॉल रहेंगे उसको आपको बाउंड्री के बाहर भेजना है। अच्छी गेंदबाजी करते हैं विशाल। विशाल हम अपने टीम के लिए दूसरी ओवर लेके आते हुए, और कट लगता हुआ 1 रन। 1 रन से संतोष संजू, संजू का खाता खुलता हुआ 1 रन। टीम का स्कोर बढ़कर हुआ है 58। छह ओवर के मैच में जो फर्स्ट हाफ रहता है 3 ओवर का, 3 ओवर में बहुत ही अच्छा स्कोर चल रहा था, तो सेकेंड हाफ जो है कहाँ अंकुश लगा रहे हैं विक्ट्रियन। अंपायर इशारा का, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट। बैट्समैन आपको क्रिकेट खेलना है, नहीं अंपायरिंग करना है, अंपायर सर है वहां। वाइट अंपायर गणेश का इशारा आता हुआ वाइट। कहीं थोड़े से बैकफुट पे जा रहे हैं श्री साई। अच्छी एक पार्टनरशिप बिल्ड किए थे कुमार और अनिल ने, एक पार्टनरशिप बनाना होगा यहाँ पे। और ये बाउंड्री, राकेश के बैट से आता हुआ 4 रन। स्कोर बढ़कर हो गया 64 3 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदे हो चुके हैं पांचवे ओवर का। काफी अनुभव है यहाँ पर विशाल को, स्कोर वो बॉलिंग करते हैं तो स्कोर दबाने की कोशिश करते हैं हमेशा। राकेश अपनी टीम के लिए 11 रन बना के खेल रहे राकेश। दो रनों से स्कोर बढ़कर हो गया है 66। आखिरी 2 बॉल आने बाकी पांचवे ओवर का। और राकेश के बैट से निकलता हुआ 6 रन। ओवर संजू को जो है ऑफर है यहां से 1 6 पे 500 का, 3 6 पे 1000। स्कोर हुआ है 72 रन।
पांच ओवर की समाप्ति हुई, 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड किए थे कुमार और अनिल ने यहाँ पर, और एक पार्टनरशिप का जन्म हो रहा है यहाँ पे राकेश और संजू का। 19 रनों पे खेल रहे राकेश, 1 रन से पार्टनरशिप को सहारा देते हुए संजू। कहीं तो बैकफुट पे गया था चौथे ओवर में थोड़ा सा जूझता हुआ, यहाँ पे वापसी किए है राकेश ने। कहीं तो टीम को संभाल रहे वो, साथ मिलता हुआ संजू का, 1 रनों पे संजू। यमन छठा ओवर लेके आते हुए विक्ट्री का, विक्टोरिया स्पोर्ट्स का। काफी तेज तरार गेंदे करते हैं यमन। राकेश, राकेश सामना करेंगे यमन का, यमन टू राकेश। स्लो गेंद और हेलीकॉप्टर खेल दिया है, मिसफील्ड पे चांस लेता हुआ 2 रन के लिए। इक्कीस रनों पे खेल रहे हैं राकेश। राकेश के फील्ड सेट किया हुआ है, मिसफील्ड का चांस लेते हुए 2 रन। कहीं तो ऐसा लग रहा है कि फील्डर थोड़े से नाराज हो गए हैं, कड़कती धूप में फील्डिंग करते हुए भी थोड़ा सा थकान महसूस होता है उन्हें। हाँ, 6 रन का खेल रहे, पर ये जो कड़कती धूप है ना कोई ब्रेक लेते हुए। नो नो का इशारा अंपायर राजन का, बीमर 6 रन, फ्री हिट। टोटल 84 हुआ है श्री साई स्पोर्ट्स का स्कोर। व्यक्तिक कितने में, 30 रनों पे खेल रहे हैं राकेश और 3 गेंदे आने बाकी। चलो ये चौथा गेंद फ्री हिट का डॉट, थोड़े से महंगे साबित हुए है यमन। दो गेंदे आने बाकी, विकेट गिरता हुआ राकेश का। एक अच्छी पारी खेली थी उन्होंने अपनी टीम के लिए 30 रनों का। नए बैट्समैन गणेश, काफी अच्छी बैटिंग लाइन है श्री साई स्पोर्ट्स का। यमन, यमन टू गणेश, गणेश गुंडा कट कर दिया है फाइन लेग पे। एक लाइन से संतुष्ट होना चाहते थे पर रन आउट। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है
85 रन बनाए हैं, 86 का टारगेट रखा है उन्होंने विक्ट्रियन को, विक्ट्रियन को। स्पोर्ट्स कुमार, भूमेश, राकेश, संजू, गणेश, कैसे गेंदबाजी रहेगी श्री साई स्पोर्ट्स का?
कवरी है, तीन गेंदों पे तीन छक्के मारते हैं तो ₹1,000 का इनाम आया है। सुरेश सुरेश गाड़े के तरफ से स्ट्राइक पे दुर्गेश, नॉन स्ट्राइक पे राजू। श्री साइस की तरफ से पहली गेंदबाजी करने आए हैं सागर। सागर टू दुर्गेश, डॉट गेंद से शुरुआत किया है सागर ने। पावर प्ले, पहला पावर प्ले का पहला ओवर। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं दुर्गेश, हमेशा अपने टीम के लिए अच्छा योगदान देते हैं वो। वाइट वाइट का इशारा तो है अंपायर गणेश का। एक अतिरिक्त रन, इस रन से अपने टीम का खाता खुलता हुआ। एक रन, दुर्गा प्रसाद को एक सुनहरा मौका। तीन गेंदों पे तीन सिक्स लगाते हैं तो ₹1,000 का इनाम। सूरज गाड़े से और उठा दिया है वो एक एक रनों से संतोष। सिंगल डबल से अपना स्ट्राइक रोटेट करते हुए चैलेंज स्पोर्ट्स के नरेश, इनकी तरफ से भी इनाम का बरसात करते हुए वो चार गेंदों में चार सिक्स मारते तो ₹1,000 नरेश की तरफ से। और ये सिक्स सिक्स के लिए मार रहे थे, चौका का इशारा आता हुआ अंपायर गणेश का। अपने टीम का स्कोर के लिए चांस लेते हैं यहाँ पे राजू। राजू को पता है कि बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे अपने टीम को, जिताना होगा तो इक्की दुक्की से काम नहीं बनने वाला है। हाँ, 15 का एवरेज से खेलना है अपने को, अपने टीम के लिए। सागर, सागर टू राजू। अक्सर आईपीएल या मैचेस में अपन ने देखा है, जब भी कोई बैट्समैन बैट चेंज करता है, ग्लव्स चेंज करता है, कुछ तो अनहोनी या होनी होने वाला रहता है। कई बड़े शॉट्स आते हैं यहाँ तो कई विकेट्स गिरते हैं। सागर, सागर टू राजू। और इनसाइड एज ये विकेट, जैसे मैंने बताया था, हमेशा जब भी बैट्स ग्लव्स जो भी चेंज करते तो कहीं तो बड़े शॉट्स आते, कहीं तो नहीं तो विकेट का नुकसान होता हुआ। तो यहाँ पर वैसे ही एक विकेट, पहला विकेट मिलता हुआ सागर को। बड़े रनों का पीछा करते हुए, अपना विकेट का नुकसान करते हुए राजू। श्री साइड स्पोर्ट्स के वॉलेंटियर अजय, बासु, अमित,
चेतन, कुणाल, नवीन, बहुत जन है यहाँ पे उनके वॉलेंटियर्स जो बॉल के लिए बैठे हैं। अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं वो, कहीं अपने टीम के लिए इतना योगदान देते हैं वो, मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ अपने टीम के लिए जो इतने मेहनत करते हैं। विशाल लगी शेट्टी जी का हार्दिक स्वागत है टीपीएल 2022 में। विशाल लगी शेट्टी जी का हार्दिक 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 स्वागत टीपीएल ट्रॉफी 2022 में। नए बैट्समैन है विनायक, विनायक टू सागर। विनायक के बैट से निकलता हुआ ये सिंगल रन, इक्की दुक्की से अपने टीम को लिए संभाल रहे वो ओवर की समाप्ति। एक ओवर के समाप्ति के बाद में स्कोर हुआ है 7 रन एक विकेट के नुकसान पर। स्वयं कर्णधार कर्णधार कुमार दूसरी ओर लेके आते हुए अपनी टीम के लिए। अनिल अनिल डायरेक्ट हिट किए थे उन्होंने, पर बैट्समैन क्रीज के अंदर मौजूद थे। गुड फील्डिंग, गुड फील्डिंग का इशारा सराहना करते हुए अपनी टीम के जो भी सहभागी है। दुर्गेश का 3-6 का जो ऑफर है अभी भी जारी है वो, अगर वो 3-6 मारते हैं तो 1000 रुपए का इनाम आ चुका है उनके लिए यहाँ पे। टीपीएल ट्रॉफी में अगर कोई फील्डर बाउंड्री के बाहर कैच पकड़ता है तो उनको टी शर्ट रखा हुआ है यहाँ पे। ओ कंचे नहीं खेले है कुमार या अपने बचपन में लेग बाइज का इशारा था अंपायर राजन का, एक विकेट मिल सकता था उन्हें दुर्गेश का, अंडर आर्म थ्रो मिस होता हो उनका। कुमार कुमार टू विनायक, ओ बाउंड्री कहीं जीवन दान दे रहे हैं हम। बहुत वैरायटी गेंदबाजी करते हैं कुमार, स्लो ओवर वन एयर स्विंग यॉर्कर लेग स्पिन ऑफ स्पिन नकल बॉल सब वैरायटी के बॉल करते हैं वो। सिंगल सिंगल से स्कोर बढ़कर हुआ है 14 रन दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। कहीं पिछड़ती हुई विक्ट्री स्पोर्ट्स वाइट का इशारा अंपायर राजन का, इस अतिरिक्त रनों से स्कोर बढ़कर हुआ है 15 रन। छियासी रनों का पीछा कर रही है विक्ट्री स्पोर्ट्स। ओ स्लोअर वन
बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए थे डॉट गेंद, उनके पार्टनर विनायक जो है कुछ समझा रहे उन्हें कि आपको कैसा खेलना है, हमारे टीम को 86 रनों का पीछा करना है, तो हम दोनों को एक पार्टनरशिप बिल्ड करना है यहाँ पे, हाँ दोनों को रुक के खेलना है, अपने टीम वाले हमारे ऊपर भरोसा करके जब हमको भेजे है तो हमको खेलना है यहाँ पे। एक रन से संतुष्ट, स्कोर बढ़कर हो गया 16। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 16, एक रन एक विकेट के नुकसान पर। कहीं बैकफुट पे जा रहे हैं विक्ट्री स्पोर्ट्स, अपने खुद का दूसरा व्यक्तिक दूसरा और अपने टीम का तीसरा ओवर डालने आ चुके हैं सागर। पहले ओवर में 7 रन दिए थे, एक विकेट प्राप्त किया था उन्होंने। उठा दिया है ऑफ साइड में और लॉन्ग ऑफ में, लॉन्ग ऑफ से मिसफील्ड होता हुआ 2 रन। संजू दे वहां पे दुर्गेश अपने टीम के लिए इक्की दुक्की रनों से टीम की पारी संभाल रहे हैं, वो टीम को कहीं आगे लेके चल रहे पर पिछड़ता हुआ। बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे वो, पर गेंद जो है बैट पे चढ़ रही नहीं है, वो जैसे वो चाहते हैं वैसे चढ़ रही नहीं है। 2 रन से टीम का स्कोर हुआ है 20। तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ, सागर सागर टू दुर्गेश, अरे डॉट गेंद, काफी तेज गेंदबाजी करते हैं सागर। विक्ट्री स्पोर्ट्स ऐसा लगता है कहीं पिछड़ रहे वो ये तीसरे ओवर में। बड़े शॉट के लिए खेल रहे थे पर अपना विकेट खो दिया है दुर्गेश ने। अच्छा कैच समाप्त करता हुआ, सेफ हैंड्स कुमार। नए बैट्समैन पुट्टी, दुर्गेश की जगह पर आए पुट्टी। श्रीकांत पुट्टी अपने हाव भाव से कहीं ऐसे दिखा रहे कि हम कुछ पिछड़ रहे करके। राकेश टू पुट्टी, डॉट गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ, एक गेंद आनी बाकी। तीसरे ओवर का ये खेल चलता हुआ, 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 20। अभी और 3 गेंदों पे, 3 ओवर में 66 रन आने बाकी। अंपायर का इशारा था वाइट रन, इस वाइट से स्कोर हुआ है 21 और 63 रनों की आवश्यकता है
20 का एवरेज से खेलना होगा आने वाले 3 ओवरों में। हर बॉल में औसत बढ़ता हुआ ऊपर उठा दिया है, पर सेफ सेफ लैंड होता हुआ डायरेक्ट हिट। विनायक को घर पवेलियन वापस जाना होगा, अपना घर जाना होगा विनायक को। एक आसान से थ्रो कर दिया था, एक अच्छा थ्रो किया था राकेश ने। राकेश बता रहे कि जितने बैटिंग अच्छा करते हैं वो उससे बेहतरीन फील्डर है वो। उनके हाथों में जब गेंद होगा तो बैट्समैन को रुक जाना है, खुद का पहला और टीम का चौथा ओवर लेके आए उमेश। भूमेश टू श्रीकांत पुट्टी, फुल टॉस गेंद जो स्टंप के बीच में नजर आए बैट्समैन, तो अंपायर का इशारा। अंपायर जो क्रिकेट के जज है उनके उंगली आसमान में, एक विकेट का नुकसान विक्ट्रीन का। विक्ट्रीन खुद टीम समझ चुकी है कि हम अभी इस मैच से बहुत ही पिछड़ रहे हैं, मैच छोड़ दिया कहीं तो उन्होंने। विशाल बिल्ला और करण, दोनों बिल्ला काफी अच्छी पार्टनरशिप करते हैं ये हमेशा अपने टीम के लिए। जब स्कोर कम होता है तो हमेशा बैट्समैन खुल के खेलते हैं, और जब यहाँ पे 20 के औसत से खेलना है बचे 3 ओवरों में हमें, तो कहीं तो वो अपने बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो मैच को छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे भूमेश एक तेज तरार गेंद, बस हमेशा थोड़ा लेग बाइस का इशारा था अंपायर राजन का, लेग बाइस से एक रन से स्कोर हुआ है 23। भूमेश टू करण, जब एज लगकर बाउंड्री की तरफ जा रहा है गेंद, जब तक समय था 2 रन लेने का, अपना छोर बदलने का करण को। करण और भूमेश एक राइवलरी है दोनों का, जब भूमेश बैटिंग पे थे तो करण ने उनका विकेट लिया था, तो भूमेश के पास अभी मौका है कि करण को घर वापस भेजने का। देखेंगे, ये करण ने लगा दिया है लॉन्ग ऑफ पे हवे पे, और ये संजू दूसरे बार कोई गलती नहीं करते है, वो एक पहली गलती कर चुके थे पर अब दूसरी बार गलती नहीं। उधर जब कड़क धूप में आप फील्डिंग करते हो तो कई बार जो हवे में बॉल रहता तो जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जब आसमान नीला रहता है और जब बॉल हवे में जाता है तो हर फील्डर को ये जज करना मुश्किल हो जाता है कि गेंद कितनी दूरी पे है। वैसे भी एक बड़ा प्लेयर का वो निशानी है कि कैसे भी परिस्थितियों पे अपने को ढाल लेते हैं वो। हैट सेकंड वीक, अरे एक नया ही अजूबा हो रहा है यहाँ पर,
स्वयं कॉटन बॉल का चांस था उमेश के हाथ में, बॉल सट उछल के कीपर के हाथ में चले गया है उमेश के हाथ से। एक अजूबा सा हुआ है यहाँ पे, दो बॉल में दो विकेट ले चुके हैं उमेश। उमेश को हैट्रिक का चांस है यहाँ पे, जैसे करण ने अपने ओवर में दो तीन करके बल्लेबाज घर भेजे थे, पवेलियन भेजे थे, वैसे ही उमेश उमेश अपने टीम के लिए एक कड़क गेंदबाज के रूप में उभर रहे। वो छह विकेट गिर चुके हैं विक्टोरियन के, स्कोर हुआ है 25 रन। उमेश बैट्समैन गणेश बैट्समैन गणेश ने बता दिया है हम वो है जो आसानी से अपना विकेट नहीं देते, भले वो उमेश हो या करण हो, कोई भी गेंदबाज हो, हम विकेट नहीं देंगे आपको, हैट्रिक नहीं देंगे। अनंत कैतम जी का हार्दिक स्वागत टीपीएल 2022 में। समाज सेवक अनंत कैतम जी का हार्दिक 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 स्वागत। गणेश गुंडा गणेश गुंडा पहली गेंद में उन्हें 6 रन भुगतने पड़े हैं, 6 रन से शुरुआत किया है गणेश गुंडा ने। यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी चल रही थी, यहाँ पे हर गेंदबाज अच्छे कर रहे थे, पर ये वो बैट्समैन है कि हमको पता है कि हम डूब रहे तो भी हम किधर तो बाहर निकलना सोच रहे, तो वैसे ही है हिटिंग पे। ये बोल, ये तो अजूबा हो रहा है, लगता है श्री साई स्पोर्ट्स का पल्ला कुछ ज्यादा ही भारी है यहाँ पे। जो बैट से बॉल लग के क्रीज के बाहर जा रहा था वो घूम के आके स्टंप पे लगा है, ये तो मैच गोल्ड हो चुका है यहाँ पे, लेग मैजिक। अपने उंगलियों में बॉल को घुमाते हैं, ये नचाते हैं, ये वो बॉल था जो गिर के घूम के वापस स्टंप पे जाके लगा है। नए बैट्समैन यमन गणेश टू यमन, पांचों ओवर चलता हुआ। सिंगल रन, अच्छी फील्डिंग राकेश का, समय था बैट्समैन को दो रन लेने का, दो रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 37। और 49 रन आने बाकी, वाओ ये बड़ा सिक्स, नटराज फिर चैंपियन, यमन के बैट से निकलता हुआ 6 रन। विक्टोरियन को ये बैट्समैन को पहले भेजना था, यमन जो अपने टीम के लिए हिटिंग पे है वो। आनंद कैतम जी का हार्दिक स्वागत है टीपीएल 2022 में। जादूगर गणेश हमेशा बॉल को अपने उंगलियों में घुमाते हैं, नचाते हैं, ये वो अक्सर बैट्समैन फुल टॉस के चक्कर में बॉल मिस करते हैं। विशाल लगी शेट्टी जी का भी हार्दिक स्वागत है। एडवोकेट
विशाल लगी सेट्टी जी का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। अपना गेंदबाजों को ट्राई कर रहे हैं कुमार, हर एक गेंदबाज को ओवर दे रहे हैं वो। ये मैच अगर श्री साई स्पोर्ट जीतती है तो उनको आगे बीसीसी से टकराना होगा। बीसीसी एक बड़ा नाम, तेलुगु प्रीमियर लीग में एक बड़ा नाम है बीसीसी, कई टाइटल अपने नाम कर चुकी है बीसीसी, कई टाइटल अपने नाम कर चुकी है श्री साई स्पोर्ट्स। और ये क्लीन बोल्ड, इन्हें हैट्रिक लेना था तो पिछले ओवर में लेना था। हाँ, आठ विकेट के नुकसान पे 43 रनों पर अखिलेश आए हैं। भूमेश का सामना करेंगे वो। बीसीसी स्पोर्ट्स के कैप्टन से अनुरोध है कि वो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। तेज तरार गेंद करते हैं भूमेश, एक अच्छे गेंदबाज है वो। जब सिचुएशन इतना खराब हो तो बैट्समैन को सोचता नहीं कि क्या करे। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट, एक अतिरिक्त रन दे खर्च करते हुए भूमेश। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ, और कहीं अपना विकेट नुकसान कर दिया अखिलेश ने। यहाँ पर एक आसान सा अंडर आर्म थ्रो करते हुए कीपर कुमार ने। नरेश यादव का एक ऑफर था कुमार के लिए, अगर वो 50 रन की पारी खेलते थे तो 2000 का इनाम रखा था उन्होंने, पर कहीं थोड़े एक 10 रनों के लिए वो पीछे रह गए। नुकसान होता होता रह गया नरेश जी का। डीप कवर में सागर एक रन रखते हुए, इस इक्की दुक्की से कुछ नहीं होने वाला। इस मैच और इस पारी का लास्ट बॉल, मैच जीत ली है श्री साई स्पोर्ट्स ने, फाइनल में प्रवेश किया है श्री साई स्पोर्ट्स ने। श्री साई स्पोर्ट्स और बीसीसी का मैच फाइनल होगा एक 5 मिनट में। यहाँ पर उपस्थित मान्यवर आनंद कैतम जी और एडवोकेट विशाल लगी शेट्टी जी से अनुरोध है कि आप दोनों को इस मैन ऑफ द मैच देना है। आप दोनों से मैं विनंती करता हूँ, कृपया आगे आकर मैन ऑफ द मैच देना है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है कुमार गुंडा, जिन्होंने 40 रन बनाए हैं खुद के और एक कीमती ओवर डाला है अपने टीम के लिए। आनंद कैतम जी और एडवोकेट विशाल लगी शेट्टी जी से
अनिरोध है कि वो मैन ऑफ द मैच देना है। हमारे मान्यवर अनंत कैतम जी और एडवोकेट विशाल लगी शेट्टी जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमेशा अपना सहयोग देते हैं आनंद कैतम जी और एडवोकेट विशाल लगी शेट्टी जी, हमेशा टीपीएल में एक बहुत ही मजबूत खंभे बन के खड़े होते हैं। जब भी कोई काम लेकर हम इनके पास जाते हैं तो हमेशा वो हमारे साथ देते हैं। वैसे ही मैं अपने स्पॉन्सरों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, विशाल लगी शेट्टी जी, करण भोईर, रोहन जवार, जितेंद्र कालन, अविनाश केबल्स, सुनील परमार, विलास पाटिल साहेब, महेश शोगले साहेब, मयूरेश पाटिल, पप्पू जैन, आवेश भोईर एडवोकेट।